हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ गया हूं। दोस्तों हम लोगों को Wcc3 का फुल वर्जन कब मिलेगा इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। दोस्तों हम लोगों को Wcc3 का फुल वर्जन कब मिलेगा इसके बारे में Wcc3 ने CEO ने ऑफिशियली एक इंटरव्यू में बताया गया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। दोस्तों ये सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। दोस्तों आप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। हम लोगों को Wcc3 का फुल वर्जन कब मिलेगा इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया गया है। दोस्तों तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों आप सब लोगों को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Wcc3 का फुल वर्जन हम लोगों को कब मिलने वाला है या Wcc3 का नेक्स्ट अपडेट हम लोगों को कब मिलने वाला है इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों Wcc3 का CEO पूरी तरीके से मतलब कह दिया। दोस्तों हम लोगों को Wcc3 का अपडेट नेक्स्ट अपडेट हम लोगों को कब मिलने वाला है या फुल वर्जन मिलने वाला है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। दोस्तों हम लोगों को फुल वर्जन मिलेगा या हम लोगों को Wcc3 का फिर से एक नेक्स्ट अपडेट हम लोगों को मिलने वाला है इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों तो अंत तक बने रहेगा। दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर आता रहता हूं। दोस्तों तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों Wcc3 का CEO हम लोगों को बताया गया है कि Wcc3 का फुल वर्जन या अपडेट हम लोगों को कब मिलने वाला है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोगों को बताया गया है। दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों तो Wcc3 का CEO ये कहा है कि हम लोगों को Wcc3 का फुल वर्जन नहीं मिलने वाला है और हम लोगों को फिर से Wcc3 का अपडेट ही मिलने वाला है। दोस्तों हम लोगों को 0.5 Wcc3 का अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों Wcc3 का फुल वर्जन अभी भी हम लोगों को अब उतना जल्दी नहीं मिलेगा। दोस्तों तो Wcc3 का अपडेट हम लोगों को मिलने वाला है वो कब मिलने वाला मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों तो दोस्तों हम लोगों को Wcc3 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा हम लोगों को अगस्त मिड में मिल जाएगा। दोस्तों मतलब अगस्त मिड में हम लोगों को मिल जाएगा, मतलब 14 या 15 इस तारीख में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों Wcc3 का नेक्स्ट अपडेट उसमें क्या क्या हम लोगों को मिलने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों लेकिन दोस्तों उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। दोस्तों तो दोस्तों हम लोगों को ये तो क्लियर हो गया, मतलब अभी भी हम लोगों को Wcc3 का अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों मतलब 0.5 नेक्स्ट अपडेट मिलने वाला है अभी भी हम लोगों को Wcc3 का फुल वर्जन देखने के लिए और ज्यादा समय लगेगा। दोस्तों मतलब अगस्त मिड में हम लोगों को मिलेगा तो लगभग एक महीना अभी भी हम लोगों को अपडेट। तो दोस्तों लगभग हम लोगों को एक महीने के बाद अपडेट मिलने वाला दोस्तों, तो बहुत जल्दी हम लोगों को बताया गया है कि अपडेट मिलने वाला है वो भी नेक्स्ट मंथ में। दोस्तों तो दोस्तों इसके बारे में एक आर्टिकल भी छपा हुआ दोस्तों, आप उधर भी जाकर देख सकते हो। दोस्तों इसमें डायरेक्ट Wcc3 का CEO ने लिखा गया है। दोस्तों हम लोगों को Wcc3 का अगस्त मिड में हम लोगों को नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन तब भी हम लोगों को फुल वर्जन देखने के लिए नहीं मिलेगा ऐसे करके Wcc3 ने मतलब CEO ने बताया गया है। दोस्तों तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाएगा इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना जितना जल्दी मैं हो सके आप लोगों को वीडियो इसमें बनाऊंगा। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।